संत और भगवान में चारों पदार्थ देने की शक्ति होती है। दर्ज लिखा है, होए अटल जगदीश भजन में अनायास चारे फल पावे। चारों चीजें भगवान के भजन से प्राप्त होती हैं। इसीलिए कहा गया है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति संतो महाशया। गंगा मैया पाप को नष्ट करती है, गंगा पापम शशि तापम चंद्रमा ताप को दूर करता है, शीतलता देता है। दैन्यम कल्प तरुस्तथा कल्प वृक्ष दैन्य गरीबी को दूर कर देता है। किंतु ये तीनों चीजें पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। संत सेवा से तीनों चीजें दूर हो जाती हैं। इस बात को उन्होंने रामायण में भी लिखा है, गति मति कीरत भूति भलाई सत्संग की महिमा बालकांड में शुरू में बताई है, मुद मंगलमय संत समाजू आदि जहां पर जिम जग जंगम तीरथ राजू वहां लिखाया है, अच्छी गति अच्छी बुद्धि अच्छा यश और विभूति संपत्ति ये बिना संतों की कृपा के नहीं मिलती है। गति मति कीरति भूति भलाई जब जेही जतन जहां जो पाई जब जेही जतन जहां जो पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहुं वेद न आनि उपाऊ तीसरा दोहा शुरू में हमने कहा था, लोकहुं वेद न आनि उपाऊ अच्छी गति बुद्धि कीर्ति विभूति धन ये केवल संतों के पास मिलता है। कृपा करो राधा रानी कृपा करो।